आशा ओसवाल और आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल आओ बातें करें में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जहां लॉकडाउन के 17 दिन गुजरने के बावजूद भी, लॉकडाउन करने के बाद में भी कोरोना वायरस का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ ना समझ लोग भड़काऊ मैसेज और गलत इन्फॉर्मेशन देकर लोगों को गुमराह करने की पूरी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ गलत मैसेज और गलत इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जिनका आपको जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, आपने कोरोना वायरस के चलते हुए ये भी एक मैसेज सुना होगा या देखा होगा, आपके मोबाइल फोन पर आया होगा, सोशल साइट्स पर काफी फॉरवर्ड हो रहा है कि अगर आप विटामिन सी की मात्रा ज्यादा से ज्यादा लेते हैं तो आप उससे कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल झूठे, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, ये बात सच है कि विटामिन सी की प्रचुर मात्रा लेने से हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है इंसान की वो बढ़ जाती है, लेकिन इससे कोरोना को ठीक किया जा सकता है ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, इसका कोरोना से, विटामिन सी का कोरोना से कोई लेना देना नहीं है। और दोस्तों, एक गलत अफवाह ये भी फैलाई जा रही है कि अगर आप 10 सेकंड तक बिना किसी परेशानी के अपनी सांस को रोक सकते हैं तो समझ लीजिए कि आपको कोरोना नहीं है। लेकिन नहीं दोस्तों, ये गलत है। अगर आप 10 सेकंड से ज्यादा भी अपनी सांस को बिना किसी परेशानी के रोक लेते हैं तो इसका मतलब यह नहीं, इससे ये जाहिर नहीं होता कि आप कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इसी के साथ साथ में कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि क्या हमें पालतू जानवर, जो हमारे कुत्ता बिल्ली घर में जिन्हें हम पालते हैं, पालतू जानवर से भी हमें कोरोना वायरस लग सकता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। वैसे हांगकांग में एक कुत्ते से संक्रमित होने की सूचना मिली है, लेकिन दोस्तों ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे कि ये जाहिर हो सके कि हमारे जो पालतू जानवर है, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस, इनसे हमें कोरोना वायरस का संक्रमण लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप इन तीनों गलत अफवाहों की सच्चाई जान ही चुके होंगे। और आपको आज की हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, इस वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि लोग इस तरह की अफवाहों से गुमराह होने से बच सके। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।